मुझको क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है और मैं वॉलीबॉल भी खेलता हूँ, और मैं आज तक ये कभी फील नहीं किया कि मुझे एक बाजू है। अगर हौसला बुलंद हो तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं। अपने संघर्ष और जज्बे से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है, ये साबित किया है पुंछ के क्रिकेट खिलाड़ी अयाज अहमद फानी ने। 17 साल का ये क्रिकेट खिलाड़ी, जिसका एक हाथ जन्म से ही नहीं है, फिर भी वो एक अच्छी क्रिकेट खेलता है। इसी वजह से आजकल पुंछ में सभी खिलाड़ियों के बीच एक प्रेरणा बना हुआ है। जी, मुझको क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है और मैं वॉलीबॉल भी खेलता हूँ, और मैं आज तक ये कभी फील नहीं किया कि मुझे एक बाजू है, और जो एक बाजू है इसकी मुझे कोई फीलिंग नहीं होती है, और मुझे बहुत शौक है खेलने का। मैं चाहता हूँ कि मुझे आगे खेलने का मौका दिया जाए। मैं डी सी साहब से गुजारिश करता हूँ कि आगे मुझे नेशनल लेवल के लिए खेलने का मौका दिया जाए, और मैं उनका शुक्रिया गुजार हूँ। नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं होती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो आज का स्पोर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे नौजवान हैं वो ड्रग्स में ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। अगर हम स्पोर्ट्स में आएंगे तो ड्रग्स से हम दूर हो सकते हैं। देखो, ये ऐसा खेलते हैं जैसे ऐसा दो बाजू वाले भी नहीं खेल सकते। पर हाँ, कुछ लड़के अच्छे होते हैं जिनको दो बाजू भी है, लेकिन ऐसा नहीं खेल सकते। इन्हें एक बाजू है लेकिन बहुत अच्छा खेलते हैं, और पूरी टीम को एक कैप्टनी निभाते हैं। कैप्टन है ये हमारी टीम के, और बहुत अच्छा खेलते हैं। हम भी सोचते हैं कि ऐसा हम भी खेलें। इनकी एक ही बाजू है फिर भी ये बहुत अच्छा खेलते हैं। मुख्तसर ये कि आज के समाज का नौजवान बहका हुआ नज़र आ रहा है, बिलखसूस नशेली अदवियात, चर्स, फीम और शराब जैसी लानत में डूबा हुआ है, और इस समाज को स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी होगी और खेलना ज़्यादा पर खेलना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें गुजर हॉस्टल में जो है एक लड़का जो है अयाज वानी जो है, आप देख सकते हैं अयाज फानी, सारी उनका बाई बर्थ उसका एक बाजू नहीं है, मगर एक आउटस्टैंडिंग प्लेयर जो है, वॉलीबॉल आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया खेलता है। तो आज जो है गुजर हॉस्टल की तरफ से सबसे ज़्यादा स्कोर भी उसी ने किए, और बॉलिंग देखिए, उसकी फील्डिंग देखिए। तो मैं समझता हूँ कि बाकी जितने भी हमारे प्लेयर हैं उनसे, उनको ऐसे प्लेयर को देख कर उनको सीखना चाहिए। तो हमारी जो है फाउंडेशन की हमेशा ये कोशिश रहती है कि यूथ को जो है ग्राउंड की तरफ जो है लाया जाए, एक्टिविटीज़ की तरफ लाया जाए, कि ताकि जो आए दिन जो ड्रग्स का एक माहौल बना हुआ है उससे बच्चों को दूर रखा जाए। आपको बता दें कि अयाज पुंछ जिले के दूर दराज गाँव बचैया वाली का रहने वाला है। ये एक पहाड़ी गांव है। यहां पर एक जमाने में इतनी मिलिटेंसी हुआ करती थी कि दिन में भी गांव के बीच सुरक्षा कर्मी नहीं जाते थे, पर समय के साथ सब कुछ बदल गया। 17 साल का अयाज पुंछ के गुज्जर बकरवाल हॉस्टल में रहकर अपनी 12वीं की पढ़ाई कर रहा है, पर अयाज को बचपन से ही क्रिकेट से काफी लगाव था, और वो आज भी क्रिकेट को उसी शिद्दत के साथ खेलता है जिस शिद्दत के साथ वो बचपन में खेलता था। अफसोस इस बात का है कि आमिर के हाथ नहीं है, लेकिन बिना बाजू के भी वो गजब की क्रिकेट खेलते हैं। अपनी टीम की तरफ से वो ओपनर बॉलर है, साथ में फील्डिंग भी जबरदस्त करते हैं। आपको बता दें कि इन दिनों पुंछ में एहसास फाउंडेशन पुंछ की तरफ से T10 क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है। इसी टूर्नामेंट में अयाज भी अपनी टीम गुज्जर बकरवाल क्लब की तरफ से खेल रहे हैं। इनके हौसले देखकर हर कोई हैरान है, और इन्होंने साबित कर दिया है कि अगर हौसला बुलंद हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं। तो आपको कैसी लगी वीडियो, अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए।